अक्सर काफी सारे यूजर्स के एंड्रॉयड फोन हैक हो जाते हैं और हैक होने के कई सारे रीजन होते हैं। बट जब आपका मोबाइल फोन एक बार हैक हो जाता है तो आपका सारा पर्सनल डाटा इंटरनेट पर लीक हो जाता है, यानी कि कोई और भी आपका पर्सनल डाटा, प्राइवेट चीजें देख पाता है। ऐसे में आपको फ्यूचर में जाकर के बहुत ज्यादा परेशानियां फेस करनी पड़ती है, तरह तरह की परेशानियां आपको फेस करनी पड़ जाती है। बट इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको प्ले स्टोर की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते हैं। बट अगर आप लोग इन सारे सेटिंग्स को अपने डिवाइस में, वो भी प्ले स्टोर में जाकर के कर लेते हैं, तो आपका डिवाइस सिक्योर रहेगा और आपका डाटा भी लीक नहीं होगा, आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगी, मोबाइल फोन हैक कभी नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, प्ले स्टोर की जो फर्स्ट सीक्रेट सेटिंग है, यह सेटिंग्स हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस सेटिंग्स को आपको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। इससे आपकी जो प्राइवेसी है वो सेफ रहती है, सिक्योर रहती है। होता क्या है, प्ले स्टोर पर आप कुछ भी चीजें सर्च करो, यहाँ पर अवेलेबल है सारी चीजें। आप किसी भी तरह का ऐप सर्च करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है। लेकिन काफी सारे ऐसे यूजर्स होते हैं जो किसी और टाइप का ऐप सर्च करते हैं, यहाँ पर मिलता तो है, बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका डिवाइस किसी के हाथ लग जाता है, चाहे पेरेंट्स के हाथ, फ्रेंड्स के हाथ, तो वैसे में आपकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाती है, यानी कि लीक हो जाती है। अगर कोई भी सर्च बार पर क्लिक करके चेक करना चाहेगा आप क्या चीजें सर्च करते हैं प्ले स्टोर में, तो यहाँ पर उनको दिखा दिया जाएगा कि ये चीजें यहाँ पर सर्च किया जाता है, तो ऐसे में आपकी प्राइवेसी लीक हो जाती है और आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाएगी। तो इस चीज को हटाने के लिए आपको अपने डिवाइस में, प्ले स्टोर में, टाइम टू टाइम एक सेटिंग्स को करते रहना चाहिए। ठीक है, आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पर अपने प्रोफाइल पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे, नीचे में एक सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरल का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है, और अकाउंट एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर डिवाइस सर्च हिस्ट्री, इस पर क्लिक करना है और क्लियर हिस्ट्री पर आपको क्लिक करना है। बस सर्च हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए, अब यहाँ पर सर्च बार पर मैं क्लिक करूंगा तो मैं क्या क्या चीजें सर्च करता हूँ प्ले स्टोर में कोई भी नहीं देख पाएगा। इसके अलावा अब बात करते हैं प्ले स्टोर के दूसरे सीक्रेट सेटिंग्स की, और यह जो सेटिंग है हर एक यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका मोबाइल फोन हैक होने से बचा रहेगा, ठीक है, सेफ रहेगा। कई बार क्या होता है, हम लोग प्ले स्टोर से तरह तरह के एप्लीकेशन को सर्च करके डाउनलोड करते हैं, बट कुछ ऐसे भी एप्लीकेशन होते हैं जो हमें प्ले स्टोर पर देखने को नहीं मिलता। वो इसलिए क्योंकि उसे गूगल जो है हमेशा टाइम टू टाइम रिमूव करती रहती है, वो यूजर्स के लिए परफेक्ट नहीं होता है, यानी कि सेफ नहीं रहता है, जिस वजह से उसे रिमूव कर देती है। बट अगर आपके मोबाइल फोन में यह सेटिंग्स किया हुआ नहीं है तो फिर आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड हो भी जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको सिर्फ इतना पता रहेगा मैंने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है तो सेफ ही होगा एप्लीकेशन, लेकिन आपका मोबाइल फोन हैक हो जाएगा ऐसे में। तो आपको करना क्या है, सिंपल एक चीज चेक करना है अपने डिवाइस में। आप यहाँ पर लोगों पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद फिर से आपको सेटिंग्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अबाउट पर क्लिक करना है। उसके बाद आप नीचे आइए, यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन, ठीक है, और यहाँ पर डिवाइस इज सर्टिफाइड दिख रहा होगा। तो अगर आपके केस में डिवाइस इज सर्टिफाइड दिख रहा है तो अच्छी बात है, आपका मोबाइल फोन सेफ रहेगा। लेकिन डिवाइस इज सर्टिफाइड नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर आपको अपने डिवाइस को सर्टिफाइड करवाना होगा। इससे फायदा क्या होगा कि आपके डिवाइस में अननोन एप्लीकेशन, अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर सर्टिफाइड करवाने के लिए आपको सर्विस सेंटर पर जाना होगा, जिस भी कंपनी का आपने मोबाइल फोन लिया है वहां पर जाइए और उनको बोलिए कि यहाँ पर प्ले प्रोटेक्ट सर्टिफिकेशन इनेबल्ड नहीं है, आप इसको सर्टिफाइड कीजिए, ठीक है। इससे गूगल क्या करेगी, आपके डिवाइस में वही सारे एप्लीकेशन को शो करेगी जो सेफ है और सिक्योर है। ओके, तो आप इस चीज को हमेशा देखते रहिए। अब इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट सीक्रेट सेटिंग की। देखिए, कई बार आपने नोटिस किया होगा या फिर आपके भी साथ हुआ होगा, आपका जो बच्चा है आपका डिवाइस ले लेता है और प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन बाय कर लेता है गेम खेलने के लिए, या फिर किसी भी और तरीके से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता है, जिससे कि आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपका भी प्राइवेसी लीक हो सकता है और आपके बच्चों पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो एप्लीकेशन की वजह से, गेम खेलने की वजह से हैक हो जाता है और खाली कर दिया जाता है। तो अगर आप लोग इन सारी चीजों को रोकना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरे प्ले स्टोर से कोई भी बंदा इंस्टॉल ना कर पाए किसी भी तरह का एप्लीकेशन, अगर उसके हाथ मेरा मोबाइल फोन लग भी जाता है तो भी, तो आप यहाँ पर एक सेटिंग्स कर लीजिए। सिंपल अकाउंट पर क्लिक कीजिए और सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इसको आप इनेबल कीजिए, और यहाँ पर जो है आप अपने गूगल अकाउंट का पासवर्ड डाल करके ओके कर दीजिए। इससे क्या होगा, यहाँ पर जो है इनेबल हो जाएगा आपका बायोमेट्रिक। अब क्या होगा, अगर कोई भी यूजर्स
मान लीजिए आपका डिवाइस लेता है और कोई बाय करता है एप्लीकेशन, किसी भी तरह का एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहता है, तो जब तक वो आपका फिंगर नहीं लेगा तब तक डाउनलोड होगा ही नहीं। देखिए फॉर गूगल प्ले परचेज ऑन दिस डिवाइस, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका बैंक बैलेंस भी खाली होने से बच जाएगा और कोई अननोन एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं किया जाएगा आपके डिवाइस में, ठीक है ना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, चूंकि आप गूगल में अपना पेमेंट वगैरह देना दे करके रखते हो, अपना बैंक अकाउंट लिंक करके रखते हो, जैसे कि वन क्लिक में आपका पेमेंट हो जाए सक्सेसफुल, तो यहाँ पर आपका बच्चा क्या करता है, अगर आप इसको इनेबल करके नहीं रखते हैं तो कोई भी एप्लीकेशन परचेज कर लेता है, चाहे गेम का हो या फिर किसी भी तरह का ऐप हो, इससे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो आप इसको इनेबल करके रख लीजिएगा, पासवर्ड डालिएगा, इनेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं प्ले स्टोर के नेक्स्ट सीक्रेट सेटिंग्स के बारे में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक यूजर्स के लिए, इससे आपका मोबाइल फोन 100% सेफ रहेगा, हैक जल्दी नहीं होगा। क्यों? कई बार क्या होता है, हम लोगों से बाय मिस्टेक कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा दिया जाता है और हमें पता भी नहीं होता, या फिर हैकर्स हमारे मोबाइल फोन में कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल कर देता है जो कि हमारे सारे डाटा को इधर से उधर ट्रांसफर करते रहता है, ऐसे में हमें आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बट अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर लेते हैं तो आपके मोबाइल फोन में अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन होगा जिससे कि आपके मोबाइल फोन को हार्म पहुंच सकता है, तो प्ले स्टोर आपको बता देगी कि यह एप्लीकेशन आपके लिए खतरनाक है, आप इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो आपको सिंपल करना क्या है, प्ले स्टोर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको ऊपर में अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट का लोगो दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, देखिए प्ले प्रोटेक्ट का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दिखाया गया है, नो हार्मफुल एप्स फाउंड, ओके। यहाँ पर सेटिंग्स का आइकन है, इस पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल फोन में बाय डिफॉल्ट ये दोनों एप्लीकेशन डिसेबल्ड होंगे, अगर इनेबल्ड है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिसेबल्ड है कुछ इस तरीके से, देखिए टर्न ऑफ, मैं इसको वेरीफाई कर लेता हूँ, दोनों टर्न ऑफ हो गए। अगर इस तरीके से टर्न ऑफ है तो आप इसको इनेबल कर लीजिए, ठीक है, दोनों सेटिंग्स को। इससे क्या होगा कि अगर आपके मोबाइल फोन में कोई हार्मफुल ऐप इंस्टॉल होता है तो ऐसे में प्ले स्टोर डिटेक्ट कर लेगा और आपको बता देगा कि आपके डिवाइस में यह जो ऐप है वो हार्मफुल है, इसको फटाफट अनइंस्टॉल कर दीजिए, अदरवाइज आपका फोन हैक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बताया गया है, स्कैन एप्स विद प्ले प्रोटेक्ट, प्ले प्रोटेक्ट कैन स्कैन दिस डिवाइस एंड वार्न यू अबाउट हार्मफुल एप्स, जैसा कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। और मैनुअली भी आप यहाँ पर स्कैन पर क्लिक करके स्कैनिंग कर सकते हैं, और अगर कोई अननोन ऐप होगा या फिर कोई हार्मफुल ऐप होगा तो यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा, तो आप उसे फटाफट अनइंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस तरीके से प्ले स्टोर की ये चार सेटिंग्स आपको अपने डिवाइस में हमेशा करके रख लेना है, आपका फोन सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग प्ले स्टोर की सारी सेटिंग्स कर लिए होंगे और इससे अब आपका मोबाइल फोन बिल्कुल सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। वैसे आप लोगों को वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, अदरवाइज अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है या सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।